हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक बार फिर लेकर जा रही हूँ द ब्राउ मास्टर परमानेंट मेकअप स्टूडियो बाय अश्मि, अपनी परमानेंट आईब्रोज का सेकंड और फाइनल सेशन कराने के लिए। जब मैंने पहली बार माइक्रो ब्लेडिंग कराई थी अश्मि से, मैंने उस पर वीडियो बनाई थी और आप लोगों को बहुत पसंद आई थी। बट पसंद करने के साथ साथ आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे थे, जो कुछ क्वेश्चन अनआंसर्ड रह गए थे। सो इन टूडेज वीडियो मी एंड अश्मि विल ट्राई टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चन अलॉन्ग विद डूइंग माई सेकेंड एंड फाइनल सेशन। सो लेट्स बिगिन। परमानेंट मेकअप के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, मैंने अपनी आईब्रोज बनवाई थी अश्मि से, बट ये मेरा सेकेंड और फाइनल सेशन है। क्यों? Because we always do eyebrows in two sessions. First session में we are very conservative, we use lighter colors, we don't make the eyebrows so thick. And in second session we see how the color has healed, if it looks perfect on the client or we need to go a little darker. So first session is all about staying conservative and second session is all about making it absolutely perfect. ये guys मेरे first session के बाद ये मेरी eyebrows हैं. And do you want to show them कहाँ पे color है, कैसा pigment है? Guys, as you can see, ये जो top area है गरिमा का, जहाँ पे मैंने shading करी है, it has healed quite well. But front में जहाँ पे मैंने strokes किए थे, you can see a few strokes there. But some strokes are looking nice. But इधर देखिए, यहाँ पे ये स्ट्रोक कम्प्लीटली जा चुका है, ये आधा ही दिखाई दे रहा है, आधा गायब हो गया है. सो दिस इज क्वाइट कॉमन टू हैपन इन माइक्रो ब्लेडिंग, इसीलिए सारे माइक्रो ब्लेडिंग के अपॉइंटमेंट्स जो है वो हमेशा दो सेशंस में ही होना चाहिए, जिससे सेकंड सेशन में जो जो गायब हो गया है यू कैन रिक्रिएट ऑल ऑफ दैट नाइसली। भाई उसी पैकेज में इंक्लूडेड है ना पहले वाले में? यस, अलग से पैसे नहीं लगते अगेन। ओवरऑल एक ही बार में ये लोग चार्ज करते हैं, बट सेकंड सेशन व्हिच इज द फाइनल सेशन, यस, इसमें हम अपनी आईब्रोज को परफेक्ट करवाते हैं। यस, सो फ्रेंड्स, मेरी आईब्रोज को परफेक्ट करने के लिए और उन्हें परमानेंट मेकअप देने के लिए, ताकि वो दो साल तक ऐसी ही रहें, अश्मि ने फिर से वही सारा प्रोसेस रिपीट किया जो फर्स्ट टाइम हुआ था। सबसे पहले मेरी आईब्रोज पर उन्होंने नंबिंग क्रीम लगाई और आईब्रोज को नंब करने के बाद शी स्टार्टेड मेकिंग दो स्ट्रोक्स एंड शी स्टार्टेड फिलिंग माई आईब्रोज। जैसा उन्होंने दिखाया, जहां जहां पिगमेंट गायब हो गया था वो उन्होंने वापस से फिल किया। आई वॉन्टेड टू गो अ लिटिल बोल्डर दिस टाइम बिकॉज मुझे अपने फेस पे वो आईब्रोज अच्छी लग रही थी, बट मैंने अश्मि को बोला कि मुझे एक टोन और डार्कर चाहिए। सो उन्होंने ये जो फ्रंटल पार्ट है ना, वहाँ पे अच्छे से स्ट्रोक्स बनाए ताकि मेरे आईब्रोज थोड़े और फ्लफी लगें। तो मैं थोड़े दिनों बाद आपको इसका रिजल्ट भी दिखाऊंगी, बट या वी वेंट अ लिटिल स्टेप अहेड देन वॉट वी डिड लास्ट टाइम। गरिमा जब आए तो उन्होंने कहा था कि मैं अभी भी थोड़ा सा पेंसिल इधर उधर लगा रही हूँ क्योंकि उतना फुल नहीं लग रहा है, जो कि होता ही आफ्टर फर्स्ट सेशन। तो आज थोड़ा सा फ्रंट में ब्रॉड किया यहाँ पे ना। आई लव दिस गाइस, लुक एट दिस, ये वाले जो स्ट्रोक्स हैं, अब मुझे भी कॉन्फिडेंस आ गया परमानेंट मेकअप के ऊपर। इस आई एम ऑल्सो गोइंग अ स्टेप अहेड। अच्छा अश्मि, बहुत सारे लोगों ने ना पिछली बार वीडियो देखने के बाद ये पूछा था कि भैया आईब्रोज बनवाने पड़ेंगे ये करवाने के बाद भी, आईब्रोज का क्या सीन है, जो ग्रोथ होती है हमारे हेयर की? तो मैंने खुद पिछले दो सालों में कभी भी थ्रेडिंग नहीं करवाई है। वी हैव एपिलेटर्स हियर इन आवर स्टूडियो व्हिच वी सेल। मतलब ये है कि आपकी आईब्रोज की ग्रोथ बननी होगी, आईब्रोज तो आएंगे ही, जो बाल आते हैं एक्स्ट्रा बाल, बट उन्हें सैलों में जाके थ्रेडिंग करवाने की बजाय यू कैन जस्ट यूज एन एपिलेटर और उससे एक बार में स्ट्रोक करके वो क्लीन हो जाते हैं, बिकॉज शेप ऑलरेडी यहाँ पे इन्होंने परमानेंटली बना हो चुकी है। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो लास्ट टाइम मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी, वो है पोस्ट केयर। जब मेरा पहला सेशन भी हुआ था तो तीन चार चीजें हैं जो अश्मि ने मुझे बताई थी जिनका ध्यान देना होता है। अपने आईब्राउज क्लीन रखने हैं, यू हैव टू क्लीन देम वंस अ डे विद वाटर, बट लॉन्ग शावर्स, हॉट शावर्स आपको अवॉइड करने हैं। आईब्राउज पे नहीं सोना है इज इम्पॉर्टेंट, एंड स्वेटिंग हैज टू बी अवॉइडेड। यू कैन नॉट डू एक्सटेंसिव वर्कआउट, यू कांट डू एक्सटेंसिव कुकिंग, तो स्वेटिंग अवॉइड करनी, नहीं तो वो पिगमेंट सारा बाहर आ सकता है। इसके अलावा एक बहुत जरूरी चीज अदर देन पोस्ट केयर ये है कि आपको अपना आईब्रो का सेशन जो है ना, किसी भी मेन इवेंट, वेडिंग, सगाई, बर्थडे के एक दिन पहले कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट डे वो ज्यादा डार्क लगता है। प्लान कर लेना गाइस, ऐसे ही नहीं कि आज मन किया तो चले गए परमानेंट मेकअप कराने के लिए। कल शादी है, आज आ रहे हैं, तो फिर तो दैट विल नॉट वर्क। प्राइसिंग के बारे में भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन था, क्योंकि हमने रेंज बताई थी 15 to 40K। तो अभी मुझसे लोग पूछ रहे हैं, अरे 40K तो बहुत महंगा है, कहीं पे बहुत सस्ता हो जाता है, तो कैन यू क्लियर दिस थिंग अप कि ऐसा क्यों होता है?
15 के बाद 25 के पे मेरे पास दूसरा आर्टिस्ट है, उसके बाद मैं 40 के में करती हूँ. तो हम सबका सीनियोरिटी एंड एक्सपीरियंस अलग अलग. मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है इस फील्ड में, और किसी भी फील्ड में आपका एक्सपीरियंस जैसे जैसे बहुत ज़्यादा होता जाता है तो वैसे वैसे आपका प्राइस उस फील्ड में बढ़ जाता है. आई एम श्योर वेरी मच अंडरस्टैंड. और ये सेलिब्रिटी परमानेंट मेकअप आर्टिस्ट भी है गाइस. दैट्स इट इन टुडेज़ वीडियो. अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब.